महर्षि अरविंद, इन्हें फिलोसफर भी माना जाता है, सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है, आज़ादी की लड़ाई के समर्थक भी रहे। इनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के लिए आप पैराग्राफ का भी उपयोग कर सकते हैं, पॉइंट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट के रूप में लिखा जा सकता है इनका जन्म एक लाइन में, अगले में इनके पिता का नाम, इनकी शिक्षा, ICS में इनका सिलेक्शन, उसके बाद इनका रेजिग्नेशन, है ना, उसके बाद इनके द्वारा आश्रम की स्थापना जो की गई थी, फिर इनका निधन, ये सारी बातें कर सकते हैं। बट डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है मेंस का, तो उसमें पॉइंट से ज़्यादा फोकस करना चाहिए किस पर, पैराग्राफ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के महान दार्शनिक, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक श्री अरविंद घोष का जन्म 1872 में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ। इनके पिता बंगाल में प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। इन्होंने ध्यान दिया कि महर्षि अरविंद वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करें, तो इन्हें बचपन से ही पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की गई। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और कुशाग्र बुद्धि के बल पर, यानी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड होने के कारण, ये ICS में सिलेक्ट हुए। लेकिन ICS में उस समय एक घुड़सवारी का परीक्षण चलता था, तो घुड़सवारी के परीक्षण में ये फेल हो गए, इसलिए अंतिम रूप से इनका चयन नहीं। इसके बाद और इनका जीवन परिचय देख सकते हैं कि भारत आने के बाद भारतीय अध्यात्म और संस्कृति के संपर्क में आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। प्रारंभ से ही गर्म दल के समर्थक थे। दो ब्रांच चलती थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एक नरम दल, एक गर्म दल। गर्म दल में लाल बाल पाल और महर्षि अरविंद घोष का नाम आता है। तो ये गर्म दल के समर्थक रहे, बंगाल विभाजन के पुरजोर विरोध किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान की। अब इनकी कुछ किताबें भी देख सकते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक में नरम दल की जो ट्रिपल पी की पॉलिसी थी, अनुनय, विनय, प्रार्थना की नीति की आलोचना की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता बताई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान इनका राजनीति से मोह भंग हो जाता है और ये राजनीतिक आंदोलन को छोड़कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, अध्यात्म की ओर उन्मुख हो गए। पांडिचेरी में इनके द्वारा अरुविले आश्रम की स्थापना की गई और अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे सावित्री, इंडिया डिवाइन, एसेज ऑफ गीता, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, जिसमें से प्रमुख किताबें मानी जाती हैं। इसके बाद अब हम इनके विचार देख लेते हैं कि जो नैतिकता से संबंधित या इनका भारतीय प्रशासन में कितना हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला इनका विचार जो रहेगा वो राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो महर्षि अरविंद आत्मा से राष्ट्रवादी थे। इनके अनुसार राष्ट्रवाद सिर्फ बाह्य अवधारणा नहीं है, यह आंतरिक और आत्मा की आवाज़ है, आत्मिक आवाज़ है। कि राष्ट्रवाद हम सिर्फ नारों से और एक कोई बाहरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो हमारा इंटरनल इंट्यूशंस है कि नहीं, ये तो हमारी आत्मा चाहती है कि हम एक राष्ट्र की, अपने देश की बात करते हैं। महर्षि अरविंद का राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था दूसरे लोगों से अलग था। दूसरे लोग राष्ट्रवाद की बात क्यों करते हैं, वहाँ पर वो स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने लिए रोजगार चाहते हैं, अपना सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन महर्षि अरविंद का जो राष्ट्रवाद का स्वरूप है वो आध्यात्मिक है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद को भौतिक मानना एक संकीर्ण विचार है, एक नैरो थॉट है। राष्ट्रवाद ऐसा हो जो अध्यात्म के समरूप हो, इसलिए महर्षि अरविंद के ये विचार सभी से अलग हो जाते हैं और इसलिए पूछे जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं। महर्षि अरविंद स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए कहा था, इनका ये फेमस कोटेशन है जो पूछा भी जाता है, राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्राणवायु है। पराधीनता को मानव का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे महर्षि अरविंद। तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिलना चाहिए व्यक्ति को, चुनने का, अपने पसंद से वोट देने का,
अपना संगठन बनाने का, संगठन में भागीदारी रखने का, ये सब अधिकार उसको मिलना चाहिए। इसी को उन्होंने प्राणवायु, प्राणवायु क्या होती है, ऑक्सीजन को हम जीवित रहने के लिए मानते हैं, वैसे ही व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता की ये वकालत करते हैं। महर्षि अरविंद के अगले विचार हैं। महर्षि अरविंद घोष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, लेकिन लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन का वो विरोध करते थे, अति केंद्रीयकरण और तानाशाही, जिसे हम ऑटोक्रेटिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, तानाशाही की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने विकेंद्रीकरण व्यवस्था और जनभागीदारी पर बल दिया। इसके बाद महर्षि अरविंद के अगले विचार हम देखें। महर्षि अरविंद ने मानव इतिहास को 6 चरणों में वर्गीकृत करते हुए बताते हैं कि लास्ट जब फेज स्टार्ट होगा, अंतिम चरण में विश्व के जितने भी देश हैं वो अपने सभी धार्मिक विवादों को छोड़कर अध्यात्म को अपनाएंगे और वैश्विक राष्ट्रवाद का निर्माण होगा, यानी ग्लोबल नेशनलिज्म की बात चलेगी, ये महर्षि अरविंद ने कहा। महर्षि अरविंद आगे बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम को सामान्य या राजनीतिक न मानकर इसे ईश्वरीय इच्छा का परिणाम बताया। महर्षि अरविंद बोलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम ये कोई लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं है, ये तो ईश्वर की ही इच्छा थी कि ये ऐसे लोग जिनके पास न शक्ति थी, न पैसा था, न पावर था, और फिर भी एकजुट हो गए और एक ऐसी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते हैं जो सत्ता काफ़ी शक्तिशाली थी, तो उसे वो ईश्वरीय इच्छा का परिणाम बताते हैं। इसमें भारत माता की मुक्ति के लिए सभी मनुष्यों को धार्मिक कार्य मानते हुए एकजुट होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे धार्मिक अनुष्ठान होता है तो सभी लोग जुट जाते हैं, उसी प्रकार से देश की आज़ादी, इन्होंने भारत माता को एक देवी के रूप में, माँ काली के रूप में देखा और आह्वान किया कि वो जंजीरों में जकड़ी हुई है, सभी को एकजुट होकर उसे छुड़ाने के लिए प्रयास करना होगा। फिर महर्षि अरविंद के दो लाइन में भी कुछ विचार पूछ लेते हैं, एक अतिमानव ओवर माइंड की थ्योरी और दूसरा सुपर माइंड के बारे में। तो अतिमानव क्या होता है, ओवर माइंड क्या होता है और सुपर मानव क्या होता है, उन दोनों को भी हम देख लेते हैं। अतिमानव, अतिमानस यानी सुपर माइंड और मानव के बीच, यानी इंसान, इंसान के बाद फिर उसका डेवलपमेंट होता है, वो अपने आप को विकसित करता है, तो पहले मानव रहेगा, मानव के बाद में जाके कहीं वो अतिमानस बचेगा, और उसके बीच वाला जो फेज रहेगा उसको कहा उन्होंने ओवर माइंड या अतिमानव, यानी जो लास्ट स्टेज बोलते हैं आप उसको, इन्होंने नाम दिया था सुपर माइंड, लास्ट स्टेज को सुपर माइंड कहा गया। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इन्होंने बोला कि बीच का जो एक फेज आएगा उसको क्या नाम देंगे, उसको ये बोलते हैं, उसे हम ओवर माइंड कहेंगे। और उसके बाद सुपर माइंड की बात करते हैं, अतिमानस, तो व्यक्ति मस्तिष्क का अतिक्रमण करके शाश्वत सत्ता की अनुभूति करता है, इसकी, इस स्थिति में व्यक्ति की संपूर्ण भावनाएं प्रकट हो जाती हैं और इसी स्थिति को प्राप्त किए बगैर मनुष्य के कष्टों का समापन नहीं हो सकता। यानी ये कहना चाहते हैं कि हम जो इंसान हैं वो किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसके द्वारा कंडक्ट हो रहे हैं, ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क जैसा चाहता है हम वैसा काम करते हैं, हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो ब्रेन है, हम सोचते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन होता उल्टा है, ब्रेन आप पर कंट्रोल रखता है। तो वो कहते हैं कि जब हम मस्तिष्क का अतिक्रमण कर देंगे, मस्तिष्क की बात नहीं सुनेंगे, और शाश्वत सत्ता का मतलब है वो अथॉरिटी जो हमेशा रहती है, यानी ये ईश्वर के बारे में बात करते हैं जो हर रूप में हमेशा से विद्यमान रहता है, तभी हम उसको अनुभूत कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और जब इस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो उसकी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सब निकल के बाहर आ जाती हैं, और जब तक इस स्टेज को प्राप्त नहीं करेंगे व्यक्ति हमेशा अपने किसी ना किसी कष्ट से पीड़ित रहेगा, उस कष्ट से रोता रहेगा। तो इस स्थिति को उन्होंने अतिमानस या सुपर माइंड की स्थिति के रूप में डिफाइन किया। तो ये महर्षि अरविंद के विचार, उसके बाद इनका हम कंक्लूजन करेंगे। महर्षि अरविंद के जितने भी विचार थे उन विचारों को हम अपने नैतिकता प्रशासन में हर जगह फिट कर सकते हैं, चाहे उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की हो, चाहे उन्होंने लोकतंत्र की बात की हो। तो लोकतंत्र की बात, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात, ये आज के समय में उतने ही फिट होते हैं जितना कि इस दशक की बात है जब महर्षि अरविंद ने अपना आंदोलन चलाया था।
लास्ट में हम इनके बारे में कंक्लूजन करके लिख सकते हैं, समापन कर सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष पूरी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इस निचोड़ के रूप में आता है। महर्षि अरविंद भारतीय साहित्यिक दर्शन के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने राष्ट्र को भारत माता के नाम से संबोधित किया, जो कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि माँ काली का स्वरूप है। अतः महर्षि अरविंद एक महान भारतीय दार्शनिक और क्रांतिकारी विचारों के प्रणेता थे। इनका राष्ट्रवाद राजनैतिक न होकर आध्यात्मिक था। इन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्र को धर्म से जोड़कर जन जन को धर्म परायण बनाने में अमूल्य योगदान दिया। यहाँ आकर के लिए हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।